तो भाई वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। अगर 13,90,000 के आसपास आप कोई भी गाड़ी देख रहे हैं तो ये मिड साइज सेडान आप एक बार जरूर देखना, अगर वरना भी देख रहे हैं, क्योंकि इसको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स भी मिल चुके हैं। जहां आपको अभी तक वरना वगैरह है या आपका सिटी है उनको कोई सेफ्टी रेटिंग से नहीं मिले, बट स्लाबिया 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आ चुकी है। वहां ये शोरूम पे भी इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ और 13,90,000 एक्स शोरूम प्राइस है। इस रेंज में अगर आप कोई भी गाड़ी कंसीडर कर रहे हैं तो एक बार ये गाड़ी जरूर देखना शोरूम विजिट करके, क्योंकि होता क्या है हम ना इन शोरूम्स में आते नहीं है। आते किस लिए नहीं है कि हमें लगता है कि आउट ऑफ बजट है, सर्विस ज्यादा होगी, ये और वो, बट जब तक बात नहीं करेंगे कहां से सॉल्व होगी यार। तो एक बार पता करना और देखना गाड़ी को आके। एक शोरूम बता चुका मैं आपको, 13,90,000 है। स्लाविया एम्बिशन वेरियंट देख रहे हैं हम, रेड कलर देख रहे हो आप इसका। गाड़ी में ऑफर क्या क्या है, BS6 फेस 2 की गाड़ी है, कंपनी में इसमें दे क्या क्या रही है, ऑफर क्या क्या कर रही है। तो बात करें फीचर्स की, तो यहाँ इसमें हमें मैनुअल वाइपर्स मिल जाते हैं विद 2 वॉशर, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आता है, बीच में स्कोडा का लोगो, रेडिएटर ग्रिल ग्लोसी ब्लैक में मिलेगा और सराउंडिंग गार्निश देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका LED बेस नहीं है, हाइलोजन बेस हेडलैम्प मिलेंगे आपको, DRLs मिल जाएंगे, इंडिकेटर अलग है और हाइलोजन बेस ही फॉग लैम्प मिलेगा। नीचे लोअर ग्रिल भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में इसकी देखने के लिए मिलेगी और लोअर ग्रिल का जो वो लोअर पार्ट है वो सेम बॉडी कलर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, जो हेडलैम्प्स हैं ये आपको ऑटो मिलेंगे इसके। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ फेंडर पे स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी आपको दोनों फेंडर्स पे, लेफ्ट राइट पे देखने के लिए। कुछ इस तरह के अलॉयज मिलेंगे, 205/55/16 का टायर साइज मिलेगा, सिल्वर अलॉयज मिलेंगे, फ्रंट डिस्क मिलेंगे, रेयर ड्रम ब्रेक साइज के अंदर। कुछ इस तरह से ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVM मिल जाएंगे, सेम बॉडी कलर ORVM है विद इंडिकेटर। प्लेन रूफ मिलेगी, शार्क फिन एंटीना मिलेगा ग्लोसी ब्लैक में, जो बी पिलर है ये मैट ब्लैक में मिलेगा, जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर और इंसर्ट गार्निश देखने के लिए मिलेगा आपको। ड्राइवर को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, यहाँ से गाड़ी का आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं पूरा। क्वार्टर पैनल पे एक छोटा सा ग्लास भी मिल जाता है जिसके अंदर कर्टन लगाया हुआ है, ये एसेसरीज का पार्ट है, अगर आप परचेज करना चाहें तो शोरूम से ये परचेज कर सकते हैं। वहीं गाड़ी के रेयर लुक पे आ जाए तो यहाँ LED बेस टेल लैम्प्स मिलेंगे हमें, यहाँ पे इंडिकेटर और जो टेल लैम्प्स है वो साइड से भी आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ पार्ट आपको साइड पे भी देखने के लिए मिलेगा इसका। कुछ इस तरह से डिजाइनिंग है इसकी, यहाँ पे इंडिकेटर, ये बैक लाइट, यहाँ पे स्लाविया की बैजिंग, यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग, नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा, टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट के हुए हैं और जो बम्पर का लोअर पार्ट है रियर बम्पर का ये भी आपको ब्लैक देखने के लिए मिलेगा और इसमें रिफ्लेक्टर्स। अब आ जाते हैं एक बार ड्राइवर साइड पे, यहाँ आपको रियर डिफॉगर मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिखा चुका, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इस जगह पे है और ये ऊपर आपका शार्क फिन एंटीना, इस साइड फ्यूल टैंक की जगह और स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है आपको रियर टेल लैंप पे देखने के लिए। और गाड़ी अनलॉक है तो प्रेस करके आप इसका फ्यूल कैप खोल सकते हैं, यहाँ से आप जो ये तो खैर वो दी हुई है इनकी इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, बाकी यहाँ आपका अगर गाड़ी अनलॉक है तो आप फ्यूल कैप खोल सकते हैं। ये तो हो चुका गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर इंटीरियर में। भाई ये तो हो चुका पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलेंगे इंटीरियर में। तो कुछ इस तरह की मिल जाती है हमें फ्लिप की, यहाँ स्कोडा का लोगो, लॉक अनलॉक ये बूट गेट खोलने के लिए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ जैसे हम ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो डुअल टोन में हमें इसका इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा, पूरा पूरा डुअल टोन में दिया हुआ। यहाँ से पहले हेडलैम्प्स बंद कर देते हैं, स्टार्ट करेंगे ड्राइवर डोर पैनल से। तो यहाँ पे सिक्योरिटी लाइट मिल जाती है आपको, ये पार्ट ग्लोसी ब्लैक में मिलेगा, डोर ओपनर गार्निश में मिल जाएगा, डोर एक्सेस हैंडल, चारों पावर विंडो मिलेंगी, यहाँ ORVM कंट्रोल यूनिट आपका, चारों पावर विंडो, ये चाइल्ड लॉक के लिए, ड्राइवर टी में आर्मरेस्ट थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टच में मिलेगा, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ कुछ बेज कलर का भी आपको ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। कुछ इस तरह से सेमी लेदर में आपको सीट मिलेंगी इसकी, एडजस्टेबल हाइट के साथ मैनुअली हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। नीचे आपका 3 पैंडल्स, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए, ये हेडलाइट हाइट एडजस्ट के लिए, AC वेंट, सराउंडिंग आपको ब्लैक मिलेगा देखने के लिए और यहाँ भी स्कोडा की बैजिंग मिलेगी, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उसके साइड में। अब आ जाते हैं गाड़ी के करेंगे स्टेयरिंग से, तो यहाँ कुछ इस तरह से लेदर रैप स्टेयरिंग मिलेगा हमें 2 स्पोक में, बीच में स्कोडा का लोगो
और इसमें टोटल 2 एयरबैग मिलेंगे हमें, ड्राइवर और को ड्राइवर। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग मिल जाएगा सेकंड बेस वेरिएंट में, एम्बिशन में भी देखने के लिए। स्टार्ट करेंगे इस लेफ्ट स्पोक से, तो यहाँ पे आपको इसके म्यूजिक सिस्टम के कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे देखने के लिए, जहाँ पे आप अपना स्क्रोल करके वॉल्यूम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ आपके वॉइस कमांड के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, ये वॉइस कम ज्यादा करने के लिए। यहाँ सराउंडिंग आपको गार्निश देखने के लिए मिलेगा दोनों स्पोक्स के, और यहाँ हॉर्न के सराउंडिंग, स्कोडा का लोगो, टोटल 2 एयरबैग मिलेंगे, ड्राइवर को ड्राइवर। यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपका वाइपर्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा आपको देखने के लिए। क्रूज कंट्रोल की एडजस्टमेंट यहाँ मिलेगी, सेट रीसेट जो भी आप करना चाहते हैं। एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसका बटन मिलता है हमें, तो ये अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो चुका। तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है हमें इसमें देखने के लिए, पूरा ही आपको एनालॉग में मिलेगा, स्पीड मीटर एनालॉग में, आरपीएम एनालॉग में, बीच में एफएम चल रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको एमआईडी में देखने के लिए मिल जाएगी, वेदर वगैरह, किलोमीटर्स वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। ट्रिप सेट रीसेट करने के लिए बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे, बाकी जो फ्यूल गेज है वो आपका स्पीडोमीटर में मिलेगा, यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर गेज आरपीएम में देखने के लिए मिलेगा। और जो ये पार्ट है ना, ये देखो ये वाला कुछ अलग दिया हुआ है, इसको दिखाऊंगा बाद में। बाकी यहाँ पे ए पिलर पे ट्विटर मिल जाता है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड मिलता है, यहाँ भी स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दोनों तरफ मिल जाती है हमें, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। बाकी ये पार्ट काफी अच्छा मिलता है, अट्रैक्टिव सा है 3D जैसा, उसके नीचे आपको ग्लोसी मिलेगा और यहाँ पे कुछ रग फिल दिया हुआ है इन्होंने काफी अच्छे तरीके से, जो इसका इंटीरियर है ड्रॉ किया गया, बनाया गया। बाकी कुछ इस तरह का इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलेगा हमें, जो इन्फोटेन सिस्टम है इसमें आपको बात करें इस मिल क्या क्या जाता है, तो फोन कनेक्टिविटी में इसमें हमें एप्पल एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले मिल जाता है, मीडिया में जिसमें आपको ये USB के थ्रू कनेक्ट होगा आपका, बाकी फोन स्ट्रीमिंग वगैरह आप ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं कनेक्ट करके। इधर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये टच में मिलेंगे, और ये आपको ट्यूनर मिल जाएंगे वॉल्यूम वगैरह सेट रीसेट करने के लिए। ये थोड़ा रग फील मिलेगा, यहाँ पे 2 AC वेंट, यहाँ 1000 लाइट का बटन, जो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है वो पूरी आपको ऑटो में मिलेगी, यहाँ पे आप देखिए, और ये टच में है, पूरा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल टच में मिलेगा। यहाँ पे आपका फ्रंट और रियर डिफॉगर भी आपको टच में देखने के लिए मिलेगा। और ये पार्ट भी कुछ इन्होंने अट्रैक्टिव सा लगा हुआ है, गियर कंसोल के चारों तरफ जो लगाया हुआ है ये वाला, ये मुझे लगता है एसेसरीज का पार्ट है कुछ इनका, बाकी वो बता दूंगा मैं आपको लास्ट में। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे 2 टाइप C चार्जर मिल जाते हैं इस जगह पे आपको देखने के लिए। यहाँ पे आपका गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए आइडल ऑन ऑफ, 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें, ये बैच कलर में मिलेगा नीचे, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, और जो इसका आर्म रेस्ट है ये भी आपको स्लाइडेबल मिलेगा, और सेम जो सीट्स हैं उसी तरह का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका ग्लोब बॉक्स भी कूल मिल जाएगा, मैनुअल डिमिंग IRVMs मिलेंगे, यहाँ पे वाइट रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी 2, यहाँ आपका सनग्लास होल्डर, सन वाइजर में इस साइड वेंटीमीटर मिल जाएगा, इस साइड खाली टिकट होल्डर मिलेगा, बाकी ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं हमें चारों तरफ देखने के लिए, चारों सीट्स पे, दोनों पीछे और दोनों आगे। तो ऑलमोस्ट फ्रंट तो सारा कवर हो चुका, अब चलते हैं पीछे पैसेंजर सीट्स पे। अच्छा यहाँ देखो टिकट होल्डर यहाँ तो मिलता है, इन गाड़ियों में यहाँ भी मिलता है, ये देख रहे हो ना आप, ये टिकट होल्डर दिया जाता है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से कई बार गिर जाती है तो ये अच्छी चीज देती है आपको, वर्टर्स वगैरह में भी यही मिलता है, हमारी इंडियन ब्रांड में कहें तो टाटा की गाड़ियों में हमें यहाँ मिल जाता है देखने के लिए। अब चलते हैं पैसेंजर, जैसे ही हम पैसेंजर डोर ओपन करते हैं तो आपका कर्टन वगैरह लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, नीचे आपका डोर ओपनर, डोर एक्सेस हैंडल, और यहाँ पे ये गिलास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्री में आर्मरेस्ट भी आपको सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिल जाएगा, और ये भी ना जो इस पर लगाया हुआ है ये एसेसरीज का पार्ट है, ये ब्लैक मिलता है हमें, डोर हैंडल्स हैं जो यहाँ पे डोर हैंडल्स हैं, ये सारा एसेसरीज का पार्ट है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे भी गियर कंसोल पे भी लगाया हुआ, ये पूरा एसेसरीज का पार्ट है। और
अब इसमें अंदर चलेंगे, पैसेंजर, नीचे स्पीकर है, वाटर बॉटल स्पेस, पीछे भी आपको तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, बीच में आर्मरेस्ट, यहाँ एसी वैन टाइप सी दो चार्जर मिल जाएंगे, यहाँ पे रीडिंग लाइट मिल जाएगी वाइट आपको। आ जाते हैं बूट स्पेस पे। बूट स्पेस आप इसका चाबी कहाँ है तो इससे भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ हम इसे प्रेस करेंगे तो बूट स्पेस आपका ओपन हो जाएगा। 521 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है हमें। लाइट वगैरह तो कोई नहीं है, बाकी टूल और स्पेयर व्हील आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। स्पेस काफ़ी है, 521 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। तो भाई ये था आपका स्कोडा सलाविया एम्बिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर। इंजन स्पेसिफिकेशंस मैं डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ। बाकी अगर आप कोई भी सेडान, मिड साइज सेडान कंसीडर कर रहे हैं, 13,90,000 तक कोई गाड़ी लेने के सोच रहे हैं, तो ये गाड़ी कंसीडर जरूर करना। और गाड़ी आपको ये कैसी लगती है ये भी आप कमेंट में बता के जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।